कर्मों का फल। राधा और दो बेटे। एक राधा नाम की महिला थी, उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम पुनीत और छोटे बेटे का नाम सुमित था। बचपन में वह दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, परंतु छोटा भाई सुमित अपनी माँ की बात नहीं मानता था। जब वे दोनों बड़े हो गए तब उनकी शादी हो गई। वे दोनों अच्छे से रहने लगे, परंतु एक दिन राधा के पति की मृत्यु हो गई। अब राधा अकेली पड़ गई थी और बड़ा बेटा पुनीत शहर में कोई काम करता था, छोटा बेटा गांव में ही काम करता था। छोटा बेटा संपत्ति पाने के लालच में अपनी माँ को घर से निकाल देता है, पर जब यह बात बड़े बेटे को पता चली तो उसने अपनी माँ को अपने साथ रख लिया और उसका भरण पोषण करने लगा। कई साल बीत गए, इसी तरह उसने अपनी माँ का ख्याल रखना जारी रखा। सुमित के दो बेटे थे, वह भी अपने पिता के जैसे थे। जब वह बड़े हो गए तब उसने भी संपत्ति के लालच में अपने पिता और माँ को घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति आपस में बांट ली। और उसने अपने पिता से कहा, जिस तरह उसने अपनी माँ को घर से निकाला है उसी तरह एक दिन नियति ने भी उसे घर से निकाल दिया। तब सुमित को अपनी गलती का पछतावा हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख: हमें अपने माँ पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे उनके पास कोई धन हो या ना हो। उनके प्रेम के सामने धन बहुत ही छोटी चीज़ है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।